आखिर कबीर सिंह जैसी फिल्में क्यों नहीं करना चाहेंगी कियारा आडवाणी? बॉलीवुड वर्सेस साउथ के बारे में क्या कहा कियारा ने? क्या कबीर सिंह जैसा धमाल मचा पाएंगी भूल भुलैया 2 से? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज़, मैं सोनिका जार। दोस्तों, कियारा आजकल जमकर भूल भुलैया 2 का प्रमोशन कर रही हैं। उनके कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं भूल भुलैया 2 के प्रमोशनल इवेंट से। इस फिल्म के बाद वो साउथ के सुपरस्टार रामचरण की RC-15 में नज़र आएंगी। और आपको बता दें कि साउथ फिल्म अर्जुन रेड्डी के हिंदी रीमेक कबीर सिंह से कितना बड़ा तहलका मचाया था कियारा ने। लेकिन कियारा ने एक हैरान करने वाला स्टेटमेंट दे दिया कि वो दोबारा कबीर सिंह करेंगी नहीं और दो बार सोचेंगी अगर ऐसा कोई फिल्म करना हो। इस बारे में उन्होंने खुलासा किया। एक्ट्रेस ने कहा कि ओरिजिनल वर्जन देखने के लिए OTT प्लेटफॉर्म पर जब ऑलरेडी फिल्म है तो ऐसे में रीमेक के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि लोग इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। और अगर रीमेक ओरिजिनल फिल्म का अडॉप्शन है और कहानी में कुछ बदलाव होगा तो वो इस बारे में सोच सकती हैं। कियारा ने ये सभी बातें की और कहा कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड की जो जंग चल रही है उस पर भी मेरी एक राय है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कभी कभी एक छोटी सी फिल्म जो मोती की तरह है और एक पर्टिकुलर भाषा में बनाई गई है, रीजनल लैंग्वेजेस में बनाई गई है, जैसे तेलुगु, तमिल, तो ऐसे में बॉलीवुड भी सोचता है कि क्यों ना इसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए इसका रीमेक किया जाता है। बॉलीवुड किसी भी तरह से साउथ पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन बॉलीवुड चाहता है कि वो फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसीलिए रीमेक फिल्में बनाई जा रही है। आपको बता दें, आजकल साउथ वर्सेस बॉलीवुड की बहुत बड़ी जंग चल रही है। ऐसे में कियारा ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर दिया और इस डिबेट को ख़त्म करने का काम किया। आपको बता दें, भूल भुलैया 2 में उन्हें देखा जाएगा एक अलग अंदाज में। भूल भुलैया 2 को अनीस बस्मी डायरेक्ट कर रहे हैं, कार्तिक आर्यन नज़र आने वाले हैं, साथ ही तब्बू भी इस फिल्म में तहलका मचाने को तैयार है। इस फिल्म की रिलीज़ की बात करें तो 20 मई को इसे रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की सीधी टक्कर होगी कंगना रनौत स्टारर धाकड़ से। इसके बाद कियारा वरुण, अनिल और नीतू कपूर की फिल्म जुग जुग जियो में भी नज़र आएंगी। कियारा आडवाणी को बहुत सारी फिल्मों में देखा गया है। हाल ही में रिलीज़ हुई शेरशाह भी उनकी सुपरहिट हुई, तो धीरे धीरे बॉलीवुड में कदम जमा रही हैं कियारा। इसीलिए एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर हो रही हैं कियारा को। तो आपको कितनी पसंद आती है कियारा? कितना इंतज़ार है भूल भुलैया 2 का? क्या कियारा कबीर सिंह जैसा तहलका मचा पाएंगी भूल भुलैया 2 से? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।